जिला मुख्यालय नाहर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में जिला के 22 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जिला परियोजना अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि ये देखने को मिला है कि कुछ विद्यार्थी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को नशे से बचाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक न केवल अपने स्कूलों में बल्कि अपने ब्लॉक और क्लस्टर में भी जाकर ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों को योग के साथ खेलकूद गतिविधियों से जोड़ा जाए, और यही कारण है कि इन प्रशिक्षण कार्य में अधिकतर शारीरिक शिक्षकों को बुलाया गया है। आज हमारे जिला सिरमौर के 22 अध्यापकों की ड्रग डिमांड रिडक्शन को लेकर के एक कार्यशाला शुरू हुई है, जो आगामी 3 दिनों तक चलेगी। ऐसा देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थी या कुछ एक युवा वर्ग नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, और उसमें जैसे आसपास के राज्यों को देखते हुए चिट्टा आदि के नशे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में भी उसकी इलीगल खेप जो है वो कई जगह पकड़ी गई है। तो हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को इससे बचाने के लिए अध्यापकों को पहले भी ट्रेनिंग दी गई है, और अब भी 22 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार होंगे। फिर ये अध्यापक अपने अपने विद्यालयों के साथ साथ अपने अपने ब्लॉक में और क्लस्टर में भी ट्रेनिंग देंगे।